हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजे ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल। तो आज मैं आपके साथ में मेरे बेस्ट जो आईलाइनर्स हैं, जो कि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करती आ रही हूँ, उन सबको आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सारे के सारे आईलाइनर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उनमें क्या अच्छा है क्या नहीं है सब कुछ मैं पॉइंट्स आपके साथ में क्लियर करूँगी। और मैं आपके साथ में ना कोई भी हाई एंड प्रोडक्ट, ऐसा हाई एंड आईलाइनर नहीं शेयर करने वाली हूँ। मैं ऐसे आईलाइनर आपको बताऊँगी जो कि अफोर्डेबल भी है, ईजिली अवेलेबल भी है। और आपको एक आईलाइनर में आपको क्या क्वालिटीज़ चाहिए वो आप देख सकते हैं। आपको वाटर प्रूफ चाहिए या फिर नहीं चाहिए, स्मज प्रूफ, किस तरह का आईलाइनर आपको पसंद है, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सा आईलाइनर कैसा वर्क करता है। तो सब कुछ डिटेल में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, लाइव आपको बताऊंगी, बिल्कुल आपके सामने मैं आपको उसका टेस्ट भी करके बताऊंगी। वाटर प्रूफ, वाटर रेजिस्टेंस, स्मज प्रूफ, सारा टेस्ट मैं आपके सामने करूंगी ताकि आप अच्छे से देख सको और फिर डिसाइड कर सको कि आपको कौन सा आईलाइनर लेना है। आज की वीडियो ना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि मैं आपके साथ में इतने अच्छे आईलाइनर शेयर करने वाली हूँ और वो अफोर्डेबल भी है, इजिली अवेलेबल भी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू तो सबसे करते पहले हैं। ना मैं आपके साथ में अफोर्डेबल से शुरू करती हूँ और उसके बाद में थोड़ा सा प्राइस को ऊपर करते जाएंगे। तो जो है वो है ये ब्लू हेवन का, ये बहुत ही पुराना आईलाइनर है और काफी टाइम से चलता आ रहा है और बहुत सी गर्ल्स इसे यूज भी करती तो हैं। प्राइस जो है इनकी वो आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग के साथ में आता है और ये लिक्विड आईलाइनर है और इसकी जो ये इसका जो ब्रश है ना, ये बहुत ज्यादा इसकी फाइन टिप भी नहीं रहती है, बट ओके है, आप इसे इजीली आईलाइनर ड्रॉ जरूर कर सकते हो। इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, आप देख सकते हो कि इसे ना पतला आईलाइनर भी ड्रॉ कर सकते हो और मोटा आईलाइनर भी ड्रॉ कर सकते हो। तो इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है और ये ना बहुत क्विकली ड्राई नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको ड्राई होने में। अब हम सबसे पहले इसका स्मज टेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये स्मज तो नहीं हुआ, थोड़ा बहुत, बिल्कुल थोड़ा सा स्मज हुआ है पर बहुत ज्यादा ये स्मज नहीं हुआ है। ये वाटर रेजिस्टेंस है, तो अब ये वाटर प्रूफ है या नहीं, तो ये वाटर प्रूफ नहीं है। आप देख सकते हो कि ये हट गया है, तो ये वाटर प्रूफ नहीं है। नेक्स्ट आईलाइनर है इनसाइड कॉस्मेटिक्स है। इसकी जो पैकेजिंग है वो कुछ इस तरीके की रहती है। इसका ये जो एप्लीकेटर है ना, ये बहुत अच्छा है, ये बड़ा है, तो इससे ना आईलाइनर एप्लीकेशन बहुत इजीली हो जाती है। और इसकी जो ये टिप है ना, ये बहुत ज्यादा फाइन रहती है, तो इससे ना आईलाइनर एप्लीकेशन मेरी बहुत अच्छी हो जाती है। चाहे मुझे कोई भी लाइनर ड्रॉ करना हो ना, बहुत अच्छे से और बहुत इजीली हो जाता है और यहाँ से पकड़ने में भी बहुत ज्यादा इजी रहता है। तो अगर आपके हाथ शेक करते हैं ना, तो वो भी इससे कंट्रोल रहता है और आप बहुत अच्छे से इससे लाइनर लगा पाते हो। इसकी पिगमेंटेशन की बात करें तो आप देख सकते हो कि वन स्वाइप में इसने कितनी अच्छी पिगमेंटेशन दी है। आप इससे पतला लाइनर ड्रॉ कर सकते हो, ये ड्राई हो जाता है बहुत इंस्टेंटली, आपने लगाया और बहुत जल्दी ये फास्ट, बहुत ही क्विकली ड्राई हो जाता है। तो इसका स्मज टेस्ट करते हैं। तो देखा आपने, ये बिल्कुल भी स्मज नहीं करता है। लाइक मैंने इतना जोर जोर से मैं कर रही हूँ बट फिर भी ये बिल्कुल भी स्मज नहीं हुआ है, तो ये स्मज प्रूफ है। वाटर टेस्ट करते हैं। वाटर रेजिस्टेंस भी है। लाइक वाटर रेजिस्टेंस आईलाइनर क्या होते हैं, जब आपने इसके ऊपर पानी डाला ना, अगर ये पानी के साथ में निकल जाता ना, दैट मीन्स वो वाटर रेजिस्टेंस नहीं होते, बट ये नहीं निकला है, ये वाटर रेजिस्टेंस है। अब ये वाटर प्रूफ है या नहीं, तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल भी वाटर प्रूफ नहीं है। पानी के साथ में ये निकल गया है, तो ये वाटर प्रूफ आईलाइनर नहीं है। तो अगर आपको स्मज प्रूफ एंड वाटर रेजिस्टेंस आईलाइनर चाहिए, तो आप इसे ले सकते हो, ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। थर्ड आईलाइनर है लैक्मे। ये लाइनर तो हर गर्ल ने यूज़ किया होगा, ये बहुत ज़्यादा मतलब अफोर्डेबल भी है और इसकी ना क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ये पिगमेंटेशन भी काफ़ी अच्छी देता है। मैं अभी आपको बताती हूँ। और इसका जो ये एप्लीकेटर है ना, ये मतलब इसका जो ये टिप है, ये बहुत ज़्यादा फाइन भी नहीं है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा फाइन नहीं है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हो कि इससे ना मतलब ठीक आईलाइनर बहुत अच्छे से लगेगा, आप पतला भी लगा सकते हो बट ठीक लाइनर ज्यादा अच्छे से लगेगा, क्योंकि इसके जो टिप है ना, ये थोड़ी सी थिक है। तो इसकी पिगमेंटेशन आप देख सकते हो कि वन स्वाइप में इसने कितनी अच्छी पिगमेंटेशन दी है वाला आईलाइनर, ये मतलब सालों सालों से लड़कियां इसे यूज करती आ रही है और आज भी कर रही है। जल्दी ड्राई नहीं होता है, ये ड्राई होने में थोड़ा टाइम लेता है, पूरा ड्राई है। तो हम इसका स्मज टेस्ट करते हैं। तो ये स्मज करता है, आप देख सकते हो कि मैंने सिर्फ रब किया, उसमें ही ये स्मज हो गया है। वाटर रेजिस्टेंस है, वाटर प्रूफ, ये बिल्कुल भी वाटर प्रूफ नहीं है। आप देख सकते हो कि ये सारा का सारा निकल गया है, तो ये स्मज प्रूफ भी नहीं है। वाटर रेजिस्टेंस हो सकता है बट ये वाटर प्रूफ बिल्कुल नहीं है। तो आप इसे अगर डेली वेयर में यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट इस रेंज में आपको और भी अच्छे आईलाइनर मिल जाएंगे। लाइक जैसे इनसाइड कॉस्मेटिक का था, तो वो लाइनर स्मज प्रूफ था, वाटर रेजिस्टेंस भी था, वो भी यूज कर सकते हो। स्टिक वर्क की ब्रांड का है, तो कुछ इस तरीके की इसकी पैकेजिंग रहती है। ये काफी अच्छा है और ये मैं बहुत ज्यादा यूज भी कर चुकी हूँ। कुछ इस तरीके का इसका एप्लीकेटर होता है, ये ना ब्रश में नहीं होता है, जैसे पेन लाइनर का एप्लीकेटर होता है ना, ये वैसा होता है। अगर आपको ब्रश से लाइनर लगाने में प्रॉब्लम होती है ना, तो ये आईलाइनर की जो टिप है ना, ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो इसकी पिगमेंटेशन कुछ इस तरीके की होती है, तो इसकी भी पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी है और ये ना बहुत क्विकली ड्राई भी हो जाता है। तो ये जो लाइनर है ना, ये आपको ओनली पर्पल वेबसाइट पर ही मिलेगा, तो आप वहाँ से अगर इसे लेना चाहो तो ले सकते हो। ये अमेजन, फ्लिपकार्ट, नाइका कहीं पर नहीं मिलेगा, ओनली पर्पल पर ही मिलेगा। मैट फिनिश देता है और ये पूरी तरीके से ड्राई भी हो चुका है। तो अब मैं इसका स्मज टेस्ट करती हूँ। ये स्मज नहीं करता है, आप इस लाइनर पे मत ध्यान देना, क्योंकि ये अच्छे से ड्रॉ नहीं हुआ था। और ये वाला देखना, तो ये बिल्कुल भी स्मज नहीं कर रहा है, आप देख सकते हो कि इसने बिल्कुल भी स्मज नहीं किया है। अब हम इसका वाटर टेस्ट करते हैं। तो ये वाटर रेजिस्टेंस है, वाटर प्रूफ, ये वाटर प्रूफ नहीं है। सारा का सारा लाइनर निकल चुका है, तो ये वाटर प्रूफ नहीं है। अगर आप बिगिनर हो, लाइनर एप्लीकेशन करना सीखना चाहते हो, तो जरूर यूज कर सकते हो, बट ये वाटर प्रूफ नहीं है। स्मज प्रूफ है, वाटर रेजिस्टेंस है, बट वाटर प्रूफ नहीं है। तो ये ब्लू हेवन का पेन लाइनर कुछ इस तरीके की पैकेजिंग के साथ में आता है और एंड इसकी जो ये टिप है ना, ये काफी अच्छी है और आप इसकी पिगमेंटेशन देख सकते हो,
कुछ ज्यादा भी नहीं है, बहुत ज्यादा जेट लैग इसके पिगमेंटेशन नहीं है। तो पहला लाइनर जो होता है ना, ये इनका बेनिफिट क्या होता है ना कि इससे हमें ड्राई होने के लिए वेट नहीं करना पड़ता है, इजीली इसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आपको लाइनर लगाना नहीं आता है तो इस तरह के पहला लाइनर से ना लाइनर एप्लीकेशन करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है, तो हमें इसे सूखने के लिए टाइम नहीं देना होता है। अब हम इसका स्मच टेस्ट करें तो ये स्मच तो नहीं करता है। अब वाटर टेस्ट करते हैं, वाटर प्रूफ नहीं है, आप देख सकते हो सारा का सारा लाइनर निकल चुका है। एंड अगर हम कलर लाइनर की बात करें तो ये है स्विस ब्यूटी का पेन आईलाइनर। इसमें आपको और भी कलर मिल जाएंगे, ब्लैक कलर भी मिल जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके की पिगमेंटेशन देता है। इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, बहुत ही स्मूथली ये लग जाता है, और आप इसके पे देख सकते हो कि कितनी अच्छे, बहुत ही प्रिसाइसली आप इससे लाइनर ड्रॉ कर सकते हो। जितना थिन लाइनर आप लगाना चाहो ना इससे लगा सकते हो, बहुत अच्छा विंग बना सकते हो। एंड अगेन ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी है और बहुत अच्छी इसकी पिगमेंटेशन भी रहती है, बहुत ही क्विकली ड्राई भी हो जाता है। और इससे ना आपको सेमी मैट फिनिश मिलती है, लाइक ये थोड़ा सा मैट फिनिश भी है, थोड़ी सी शाइनी फिनिश भी मिलती है, तो ये सेमी मैट लाइनर है। तो अब हम इसका स्मच टेस्ट करते हैं, तो ये स्मच नहीं करता है, वाटर रेजिस्टेंस है, बट वाटर प्रूफ ये बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा सिर्फ पानी डालते ही मैंने इसे मिक्स किया और ये पूरा का पूरा हट चुका है, तो ये वाटर प्रूफ नहीं है। तो अगर आप ना जो भी वाटर प्रूफ लाइनर नहीं है उनके लिए मैं सिर्फ यही कहूंगी कि आप अगर यूज करना चाहते हो तो तभी कर सकते हो, अगर आपका पर्पस है कि आप डे टू डे लाइफ में ऐसा लाइनर चाहते हो जो कि इजीली हट जाए, क्योंकि वाटर प्रूफ लाइनर अगर आप रोज लगाओगे ना तो उन्हें हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप अगर रोज ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो, तब ये आप इस तरह का लाइनर यूज कर सकते हो, ताकि आप जैसे ही उन्हें हटाना चाहो तो वो इजीली हट भी जाए, क्योंकि ये स्मच प्रूफ है बहुत से लाइनर, तो वो स्मच तो नहीं करेंगे चाहे आपने कितने भी देर लगा के रखो, लाइक 5 से 6 आवर ये बहुत अच्छे से चल जाएंगे, फेड आउट भी नहीं करेंगे। तो जो भी वाटर प्रूफ लाइनर नहीं है ना आप उन्हें सिर्फ इस पर्पस से यूज कर सकते हो प्रोफेशनली, या फिर मेकअप में आप इसे यूज नहीं कर सकते हो। ये है अगेन पेन लाइनर, ये है रिकॉर्ड ब्रांड का, कुछ इस तरीके की इसकी पैकेजिंग है। एंड इसके भी ना टिप बहुत अच्छी है, फाइन टिप है, और इसकी पिगमेंटेशन आप देख सकते हो बहुत अच्छी है, वन स्वाइप में इसने काफी अच्छी पिगमेंटेशन दी। तो पेन लाइनर मैं बहुत ज्यादा यूज नहीं करती हूँ, ये कुछ लाइनर ही है जो पेन में मेरे पास में है, और मैं बहुत ज्यादा इन्हें यूज नहीं करती हूँ, बहुत कभी कभी यूज करती हूँ जब मुझे बहुत ही जल्दी में लाइनर लगाना होता है। इसका स्मच टेस्ट देखें, तो ये स्मच नहीं करता है, वाटर रेजिस्टेंस है, बट वाटर प्रूफ नहीं है, पूरा का पूरा लाइनर पानी के साथ में मेल्ट हो गया, तो ये वाटर प्रूफ नहीं है। तो ये है मेबलिन कॉलोसल का पेन लाइनर। इसकी ना पिगमेंटेशन कुछ खास नहीं है, मतलब मुझे इतनी ज्यादा पसंद नहीं है, इसके टिप तो बहुत ज्यादा लंबी है, बट इसकी ना पिगमेंटेशन मुझे कुछ इतनी पसंद नहीं है। बहुत प्रेशर के साथ जब लगाओगे ना तो आपको इसकी अच्छी पिगमेंटेशन मिलेगी, और आपने इससे बहुत ज्यादा थिन लाइनर नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ना इसको अच्छे से आपको लगाना होता है प्रेशर के साथ, थोड़ा तो जाके ये ना अच्छे से ड्रॉ होता है। तो ये मुझे थोड़ा कम पसंद आया, ये लाइनर ना मुझे वैसे भी थोड़ा कम ही पसंद आया था, क्योंकि ना इससे एप्लीकेशन ही इजिली नहीं होती, हम पेन लाइनर यूज इसलिए करते हैं ताकि इजिली अप्लाई कर सकें। तो ये स्मच करता है, देखा आपने, बिल्कुल भी वाटर प्रूफ नहीं है, बिल्कुल भी वाटर प्रूफ नहीं है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे लाइनर की जो कि मेरे पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और मैं उन्हें बहुत ज़्यादा यूज़ भी करती हूँ, और उन्हें मैं आपको हाईली रेकमेंड भी करूँगी। तो अब मैं वही लाइनर आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये है फेसेस कैनेडा का आई लाइनर, कुछ इस तरीके के पैकेजिंग में मिलेगा, और इसे मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ। मिलता है तो इससे ना बहुत ही इजीली हम लाइनर ड्रॉ कर पाते हैं, और इसकी पिगमेंटेशन तो आप देख सकते हो, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, वन स्वाइप में ये बहुत अच्छी पिगमेंटेशन देता है और काफी अच्छा चल भी जाता है, एंड प्राइस इसकी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, और मुझे ना इसका रिजल्ट बहुत अच्छा लगता है। ये बिल्कुल मैट फिनिश देता है और कंप्लीटली जेट ब्लैक लाइनर है। बहुत से लिक्विड लाइनर ऐसे होते हैं जो कि कंटेनर में पड़े पड़े ही ड्राई हो जाते हैं, मतलब ऐसे भी बहुत से लाइनर मेरे पास पड़े थे जो कि मैंने यूज बहुत कम किए और वो अपने आप ही ड्राई हो गए, तो ऐसा इनके साथ में बिल्कुल नहीं होता है, ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होते हैं। ऐसा मतलब अभी तक मैंने जो भी लाइनर बताया उनके साथ में नहीं हुआ है कि वो पड़े पड़े ही ड्राई हो गए हो, तो ये तो मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है। ये बिल्कुल भी स्मज नहीं करता है, वाटर रेजिस्टेंस है, एंड वाटर टेस्ट आपके सामने है, आप देख सकते हो, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये मेरा पर्सनली बहुत ज्यादा फेवरेट है। मतलब पहले रब किया तो नहीं निकला, बट इतना ज्यादा रब करोगे तो कोई भी प्रोडक्ट होगा निकलेगा ही। अरे वो है मेबलिन का, इसकी तो प्रिंट वगैरह बिल्कुल निकल चुकी है, क्योंकि मैं इसे बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, और मैं इसे अपने पास में ना एक्स्ट्रा में भी रखती हूँ कि कभी भी ये खत्म हो जाए तो ये एक्स्ट्रा में मेरे पास होना ही चाहिए। तो मैंने इसकी एक पैकेजिंग और रख रखी है, कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में ये हमें मिलता है, और इसे मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, इससे ना एप्लीकेशन करने भी बहुत ज्यादा इजी हो जाती है, आपके हैंड में कंट्रोल रहता है, और इससे ना हम जितना ज्यादा थिन लाइनर लगाना चाहें लगा सकते हैं, इसके टिप बहुत ज्यादा फाइन है, ब्लैक इसके पिगमेंटेशन है आप देख सकते हो, और ना बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लेता है, और आप इससे ना अगर आपका लाइनर बिगड़ भी जाए ना तो इजीली फिर से सही कर सकते हो, फेवरेट है, आप इसे डेफिनेटली ले सकती हूँ। और अब मैं जो आपको लाइनर बताने वाली हूँ ना वो बॉम्बे, मतलब बेस्टेस्ट बेस्ट लाइनर है, उससे अच्छा लाइनर तो मुझे अभी तक नहीं लगा कोई भी, तो वो तीन जो लाइनर है ना वो मेरे मोस्ट ऑफ फेवरेट लाइनर है। तो ये अब कंप्लीटली ड्राई हो चुका है, स्मच टेस्ट करें, ये स्मच नहीं करता है, वाटर प्रूफ आप देख सकते हो, खुद ही देख सकते हो, इन लाइनर की मुझे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है, मैं कितना ज्यादा रब कर रही हूँ ना तो जाके ये हल्का हल्का सा बिल्कुल निकल रहा है आप देख सकते हो, बट ये बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल निकल चुका है जैसे कि पहले वाले लाइनर में हो रहा था, तो इतना करने पे तो मैंने आपको कहा ये कोई भी लाइनर निकलेगा और निकलना चाहिए भी। लास्ट जो मेरा मोस्ट फेवरेट लाइनर है वो है कलर बार से, कलर बार का है ये, एंड ये सेम इसकी पैकेजिंग जो है ना वो बाकी की लाइनर जैसी है, ऊपर से इसका जो एप्लीकेटर है वो इस तरह से आता है, और इसमें ना आपको इस तरह का एप्लीकेटर मिलता है, लाइक ब्रश नहीं है, जो हार्ड एप्लीकेटर होते हैं ना वैसा है जैसा कि पेन लाइनर में होता है, तो इससे इजीली एप्लीकेशन भी हो जाती है, अगर आप बिगिनर हो तो भी लगाना बहुत इजी हो जाता है। एंड इसकी पिगमेंटेशन देखें, वन स्वाइप में आपने पिगमेंटेशन देखी इसकी कितनी ज्यादा थी, और आप इससे जैसा चाहो वैसा लाइनर लगा सकते हो, विंग बहुत अच्छे से बना सकते हो, थिन लाइनर लगा सकते हो, थिक लाइनर लगा सकते हो, और बहुत ही क्विकली ड्राई भी हो जाता है, बहुत 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 अच्छी है, ब्लैक इसकी पिगमेंटेशन है।
की जो फिनिश है ना वो मुझे जेल आइलर की जैसी लगी है, जेल आइलर के सिमिलर की फिनिश मिलती है थोड़ी। तो इस वीडियो में ना मैंने आपके साथ में जेल आइलर नहीं इंक्लूड किया क्योंकि ना वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती है अगर मैं सारे के सारे लाइनर आपको इसी वीडियो में बताती। अगर आप जेल आइलर की भी वीडियो देखना चाहोगे बेस्ट जेल आइलर की तो वो भी मैं आपके साथ में जरूर शेयर करूंगी, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो ये कंप्लीटली ड्राई हो चुका है, अब हम इसका स्मज टेस्ट करते हैं। कितना भी हार्श में स्मज कर लो ये नहीं होगा स्मज। वाटर टेस्ट करते हैं, वाटर रेजिस्टेंस तो है ही, वाटर प्रूफ आपके सामने मैं कर रही हूँ, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। इस लाइनर के लिए भी आप देख सकते हो कि ये किस तरह से वाटर प्रूफ है, किस तरह से इसकी पिगमेंटेशन है और कैसे ये निकल रहा है। आप देख सकते हो कि मैं रब कर रही हूँ ना तो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी पिगमेंटेशन निकल रही है, बट फिर भी आप देख सकते हो अभी तक भी ये बिल्कुल ब्लैक है, बिल्कुल इसकी पिगमेंटेशन कम नहीं हुई है। मोस्ट फेवरेट लाइनर है मैपिंग कॉलोसल, फैसेस कनाडा एंड कलर बार, तीनों के तीनों लाइनर आप ले सकते हो, तीनों ही बहुत अच्छे हैं। आपको कंप्लीटली स्मज प्रूफ वाटर प्रूफ वाटर रेजिस्टेंस चाहिए तो आप कलर बार का लाइनर ले सकते हो, थोड़ी सी प्राइस इसकी ज्यादा है बट ये वर्थ इट है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और थोड़ा अगर और अफोर्डेबल में चाहिए तो आप इन दोनों लाइनर को ट्राई कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी है, आईज पे बिल्कुल कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी हैवी फील नहीं कराते हैं। तो ये तीनों के तीनों लाइनर है जो कि प्रोफेशनली मेकअप करते हैं तो भी यूज कर सकते हैं और अपनी मेकअप पहने के बना रहे हैं तो यूज कर सकते हैं। अगर आप ब्राइड्स हो, आपकी शादी होने वाली है तो आप ले सकते हो। और पेन लाइनर में आपको सिर्फ मैं रिकॉर्ड और ये जो स्पेस बिटिकल लाइनर था ना ये अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, बट आप अगर बिगनर्स हो तो ही सिर्फ इसे यूज करना, बाकी ऐसे अदरवाइज आप इन लाइनर को बिल्कुल भी ट्राई नहीं करो। पहले मैंने आपको बताया कि इनमें से आप इनसाइड का ले सकते हो, ये बहुत अच्छा है, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। लैक्मे का आप ले सकते हो, अगर आपको अच्छी खासी पिगमेंटेशन चाहिए तो आप इसे ले सकते हो। और ये जो स्टिक वर्टिकल लाइनर था ना ये आप ले सकते हो, ये मुझे अप्रूव नहीं है बट फिर भी अच्छा है। एंड ये ब्लू हेवन का ओके ओके प्रोडक्ट है, तो इनमें से जो भी मुझे सबसे ज्यादा पसंद थे वो मैंने आपको बता दिए। तो अब आप देख सकते हो कि आपको कौन सा लाइनर लेना है, आपकी क्या प्रेफरेंस है लाइनर को लेकर, उस अकॉर्डिंग आप लाइनर ले सकते हो। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और भी इसी तरह की वीडियोस देखने।